हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीरो के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बने। तो बात करते हैं यहाँ पे इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, कुछ मैच भी हो गए हैं। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 10वें मैच की, जो कि खेला जाएगा कोलकाता और बेंगलोर के बीच में। यह मैच आपको 29 मार्च को बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको टॉस मैच सीजन की अपडेट चाहिए, हमारे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अगर बात करते हैं, चलते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 65% रहेगा और टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं बात करें इनका विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 40% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 53% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका बेस्ट स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का बेस्ट स्कोर 167 है, वहीं पर सेकंड इनिंग का बेस्ट स्कोर 147 है। वहीं आगे बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं ओवरऑल, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 31 मैच खेले गए, जिसमें से कोलकाता 17 मैच जीत के आ रही, तो वहीं पे बेंगलोर 14 मैच जीत के आ रही है। अब आगे बात करते हैं पहली टीम यानी कोलकाता का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने इस बार टूर्नामेंट का आगाज कर दिया जीत के साथ। रेगुलर कैप्टन की बात करें जो कि श्रेयस अय्यर भी इस साल टीम में आ गए। वहीं ओपनिंग में आपको फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण को भी चांस मिला था, सॉल्ट ने जहाँ पर 54 रन बनाए थे और नारायण की बात करते हैं वो फिलिप फ्लॉप चल रहे हैं। वहीं नंबर तीन पर जहाँ पे वेंकटेश अय्यर खेल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे नीतीश राणा शेष है, ये दोनों बड़े इनिंग नहीं खेल पाए थे। मनीष पांडे को टीम में चांस मिला था। लोअर ऑर्डर में जहाँ पे हिटर रिंकू सिंह और एंड्रे रसल ने ताबड़तोड़ बैटिंग की थी, रसल ने 25 बॉल में 64 रन बनाए थे। वहीं बॉलिंग में टीम ने रोमांचक मैच में टारगेट को सेव किया था, जहाँ पे मिचेल स्टार्क पहले मैच में बहुत महंगे साबित हुए थे, जहाँ पे हर्षित राणा ने टीम के टॉप विकेट टेकर थे, उन्होंने 3 विकेट लिए थे। स्पिन डिपार्टमेंट में जहाँ पे सुनील रायना, सुहास शर्मा जो टीम को सफलता दिला सकते हैं, जहाँ पे वरुण चक्रवर्ती भी विकेट लेने की एबिलिटी रखते हैं। अब बात करते हैं कोलकाता का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे फिलिप सॉल्ट है, वेंकटेश अय्यर है, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह है, रमनदीप सिंह है, एंड्रे रसल है, सुनील रायन, वरुण चक्रवर्ती है, सुहास शर्मा, मिचेल स्टार्क। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि फिलिप सॉल्ट है, एंड्रे रसल और हर्षित राणा। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी बेंगलोर का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। पहले मैच में बात करेंगे जहां से चेन्नई से मिली हार के बाद आरसीबी ने कम बैक करते हुए नेक्स्ट मैच में पंजाब को हरा दिया, टूर्नामेंट का जीत से आगाज भी कर दिया। यहां पर विराट कोहली 5 डुप्लेस जो टीम के लिए ओपनिंग में स्टार्ट किए थे, कोहली ने बेहतरीन इनिंग खेलते हुए 77 रन बनाए थे। वहीं नंबर तीन पर जहाँ पे कैमरॉन गिन को मौका दिया बट वो फ्लॉप हो गया था। नंबर चार पर जहाँ पे रजत पटीदार भी फ्लॉप से वो चालू हुए। वहीं मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ग्लेन मैक्सवेल जो कि आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, फिनिशिंग के लिए जहाँ पे दिनेश कार्तिक, अनुज रावत है। कार्तिक अब तक दोनों मैच में अच्छे टच में दिखे, लास्ट गेम में उन्होंने मैच को जिताया। वहीं बॉलिंग में बात करेंगे जहाँ पे इंडिया पेसर मोहम्मद सिराज जो टीम के फ्रंटलाइन बॉलर है, लास्ट गेम में उन्होंने 2 विकेट लिए थे। वहीं पर यश दयाल इफेक्टिव स्पेल डाल रहे हैं, जहाँ स्पिन बॉलिंग में करण शर्मा, मयंक डगर देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर जारी जोसफ ने 43 रन दिए थे। इस मैच में लॉकी फर्गूसन को चांस मिल सकता है। अब बात करते हैं आरसीबी का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ फैफ डुप्लेसिस, विराट कोहली, रजत पटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, करण शर्मा, मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्गूसन, मयंक डागर। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जो कि दिनेश कार्तिक है, विराट कोहली और मोहम्मद सिराज है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर रिकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर यहाँ पे बैंगलोर हो सकते हैं, यहाँ पे एकता को हार मिल सकते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो हमारे चैनल के साथ बन रहा है, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।